रत्ना किचन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप आलू चाप और समोसा खा खा के बोर हो गए हैं तो आप इस तरह से एक बार ये चीज़ बना के खा के देखिए, मेरी गारंटी से आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो गाइस बनाने स्टार्ट करते। एक फ्राई पैन लीजिए, उसमें थोड़ा तेल डालिए, थोड़ी राई डालिए। राई डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा प्याज डालिए। प्याज के बाद अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता, गाजर, मटर और हरी मिर्ची। अगर चाहे तो इसमें और बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं, पर मैंने यही डाला है। अब डालेंगे हम धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और आमचूर। आमचूर के बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे हम लोग गाइस। के बाद अब इसमें हम डालेंगे बॉयल आलू। अब जितना चाहे वो डाल सकते हैं, पर अपने अनुसार मैंने इसमें 3 या 4 बॉयल आलू डाले हैं। अब इसे अच्छी तरह आप मिलाइए गाइस। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया। गाइस ये मसाला बनके रेडी हो चुका है। अब इसे हम ठंडा करने के लिए साइड में रख देते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ हम बनाएंगे, अब दूसरी बार हम लेंगे फ्राई पैन। फ्राई पैन के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी 1 गिलास, मान के चलिए मैंने अंदाजे से डाला, पर अब 1 गिलास डालिएगा। अब हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। अब इसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा। जीरा डालने के बाद गाइस अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसे थोड़ा सा अच्छे से मिलाएंगे, जैसे थोड़ा बॉईल हो जाए। बॉईल होने के बाद अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसमें जैसे लम्स ना पड़े, गांठ ना आए, अच्छे से मिलाइएगा गाइस। गाइस देखिए ये मिल्क एकदम रेडी हो चुका है, इसका पानी पूरा सॉक हो गया है। अब इसे भी हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, साइड में निकाल के रख देंगे गाइस इसे भी। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल गरम होते तक गाइस जब तक हम लोग वो बना लेते हैं जो हमने मसाला बना था, उसे छोटा छोटा गोली बनाएंगे, जैसे आलू चाप का बनाते हैं। उसे बना बना के हम साइड में रखेंगे 3, 4, 5 जितनी भी हो। गाइस देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम लेंगे वो चावल का आटा, वो ठंडा हो चुका है। अब इसे भी हाथ से गोली बना के थोड़ा फैलाएंगे। फैलाने के बाद इसके बीच में हम वो मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद इसको फिर से हम गोल करेंगे। पूरा आलू चाप का शेप देना गाइस आपको, पर धीरे धीरे मिलाइएगा वरना मसाला बाहर निकल जाएगा तो तलने में बहुत तकलीफ होगी आपको। अब तेल गरम हो चुका है गाइस, अब इसमें हम वो डालेंगे। तेज आंच में नहीं करना है गाइस, थोड़ा सा धीमी आंच में करना है। पहले तेज रखिएगा आंच को, फिर धीमा कर दीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा लाल हो चुका है, लाल मीन्स थोड़ा सा पक गया है। अब देखिए गाइस बन के हमारा ये रेडी बन चुका है। आप भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, चाहे किटी पार्टी हो,
चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे किसी में भी गाइस आप ये बना सकते हैं, बना के खिलाइए, आपकी तारीफ ज़रूर होगी। इन्जॉय गाइस, बाय गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूले प्लीज़ गाइस, बाय।